जी क्या है सबकी, होप करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का लवली रिस्पांस के लिए वीडियोस के ऊपर। तो आज फिर से साहिबिया के पास आए हुए हैं, क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। तो आज देखो जी, Isuzu यहाँ पे आई हुई है। अलग अलग गाड़ी हम तैयार करते रहते हैं, तो आज बेस मॉडल आया हुआ है Isuzu का। तो आज भी आप बताओ उसमें हम क्या करने लगे हैं। Isuzu में हम स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, स्पेशली मानी जाती है, कुछ भी आपको हैवी यहाँ पे रखना है, प्रॉपरली हमने बेल्ट लाइनर लगाया है इस पर। ओके, मतलब सारी लाइनिंग प्रॉपरली आप फिटिंग चेक कर सकते हैं। प्रॉपर Isuzu कंपनी का जी, प्रॉपर हमने इस पर फिट किया हुआ है, प्रॉपर 00 फिटिंग। आप जितना इसकी मर्जी जितना मर्जी वेट कर लो, ये कभी टूटता नहीं है। ठीक है, सबसे मेन चीज बेस मॉडल में सब कुछ नहीं लगा। ओके ठीक है। तो बेसिकली ये हमने लाइनिंग लगाई हुई है, सीट कवर इसमें किया, सीट कवर लगाए हैं, प्लेयर बेस मॉडल है, सब कुछ करा, सेंटर लॉकिंग फ्लिप की सब कुछ इसमें। ओके जी, सेंटर लॉकिंग भी नहीं आता, सेंटर लॉकिंग भी नहीं आता, सिर्फ पावर विंडो आती है। ओके, तो ये सारी चीजें आज हम कर लेंगे, आपको मैं करके दिखाता हूँ, डिटेल देता हूँ कि क्या क्या है इस हिसाब का। तो जो जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और भी एक्सेसरीज की हमने काफी वीडियोस बनाई हैं, लेटेस्ट कार्स की बनाते रहते हैं। तो बाकी हम शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले आपको ये वाली दिखाई, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बेड लाइनर बोलते हैं। बेड लाइनर बोलते हैं, इस पे कुछ नहीं लगा आता है, प्रॉपर जैसे आप गाड़ी का कलर चेक करते हो, प्रॉपर इसके नीचे प्रॉपर सील होती है, प्रॉपरली हमने खुद लगाया है। ओके, तो ये भी यहाँ पे लगाया। वैसे इसको कितना टाइम लग जाता है भैया लगने में? मैक्सिमम इसमें कोई कटिंग वटिंग तो करनी, आधा पौना घंटा मैक्स, आधा पौना घंटा लग जाता है। और भैया जैसे ऊपर जो जैसे इसको बंद करने वाला था, वो भी एक्सेसरी में आता है कि नहीं? वो भी एक्सेसरी में आता है, बट वो हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बिकॉज ये ज्यादातर गाड़ी बेस मॉडल तभी लोग लेते हैं, या इसके ऊपर कुछ सामान रखना हो या किसी ने ऊपर बैठना हो। ओके, वो ट्रे थोड़ी सी इसमें ज्यादा प्रॉब्लम दे। ओके, तो लोग यही प्रेफरेबल करते हैं। ठीक है, तो जी ये वाला काम इसके अंदर हम फिलहाल किया। अभी नेक्स्ट हम चीज दिखाते हैं, और ये हमने क्या की हुई है, इसके अंदर हमने एक सीट कवर डाले हैं। ओके, और इसके अंदर वही मेड इन ताइवान वाला G9 का प्लेयर डाला हुआ। ओके, तो इसके सीट कवर देख सकते हो, इसके साथ हमने टैन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन करा हुआ। तो ये देखो जी, टैन एंड ब्लैक वाले कॉम्बिनेशन के यहाँ पे सीट कवर्स आपको मिल जाते हैं, काफी अच्छी तरह फिटिंग आप चेक कर लो। सीट कवर के अंदर फर्निशिंग और फिटिंग जो होती है वो मैटर करती है। तो यहाँ पे देख लो, ये हमने फुल बकेट किया। ओके, इसको हम नापा लेदर बोलते हैं, सबसे सॉफ्ट, इसमें आपको स्वेटिंग की कभी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये बहुत मतलब अच्छी तरह मतलब प्रॉपर फिटिंग वाले के साथ हुए हुए हैं। और थर्ड थिंग, हमारा जो प्लेयर लगाया हुआ है, प्लेयर आता है इसमें से? कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। ओके, तो ये मेड इन ताइवान प्लेयर है ये वाला, कंपनी की तरफ से हमें ये डिब्बी लगी आती है। ओके, तो यहाँ पे रखी हुई है हमने प्रॉपरली, ये लगा आता है कंपनी की तरफ, ये आता है इसको ओपन करके, मेड इन ताइवान का ये वाला है प्लेयर। और देखो सबसे मेन बात, अगर चाइनीज प्लेयर काफी सारे देखोगे, मेड इन ताइवान में डिफरेंट क्या है, ये स्मूथनेस चेक कर लो, ये जैसे मर्जी आप इसको करो, ये देखो बिल्कुल, आप वाईफाई से अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके कोई भी ऐप इसमें डाउनलोड कर सकते हो, म्यूजिक के लिए बहुत सारा इसके अंदर मतलब आपको सिस्टम्स अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और भी हमने इसमें क्या किया हुआ है? इसके अंदर हमने जैसे फ्रंट वाले स्पीकर चेंज किए हैं। बिल्कुल, फ्रंट वाले स्पीकर हमने रॉकफोर्ड के लगाए हैं। ओके, तो इसके फ्रंट में ओवल शेप साइज आता है, 6 इंचेस नहीं आता। पीछे हमने ब्लो पंप के स्पीकर लगाए हैं। ओके, जिसके साथ क्या होगा, आपको बेस भी आती रहेगी और वोकल भी आती रहेगी, आपको कोई वूफर या कोई एम्पलीफायर की जरूरत नहीं है। साउंड सिस्टम आपको ऐसे नहीं पता लगेगा जब तक आप गाड़ी में बैठ के सुनोगे नहीं। बिल्कुल, साउंड सिस्टम हमने ऐसा फिट करते हैं, आपको वूफर की भी जरूरत ना पड़े, स्पीकर से ही बेस आती है। ओके, तो स्पीकर से ही आपका इसके अंदर काम कम्प्लीट हो जाएगा। आप देख रहे हो ये FM में इतनी आवाज दे रहा है, जब आप अपना ब्लूटूथ या इसके अंदर जो सा ये YouTube हमने इनबिल्ट किया हुआ है। बिल्कुल, अभी इसके अंदर हमने ID नेम नहीं, जब आप YouTube चला लोगे इसकी क्वालिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी इसकी क्वालिटी। ठीक है भैया, जी भैया, इसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं आती है। ओके, हमने प्रॉपरली RD कंपनी की सेंट्रल लॉकिंग लगाई है। ओके, इसके अंदर कीज चेंज होती है, फिर कीज चेंज हो जाती है। ओके, हां, एक तो कंपनी की तरफ से हमें साथ लगी आती है। अब ये देखो, हमने चाबी इसकी स्पेशली बनाई है। ओके ओके, प्रॉपरली कोई दिक्कत नहीं है, स्लिप की बनी है, प्रॉपर बिल्कुल स्मूथ है, मतलब आपको कोई इशू नहीं आएगा इस चीज के अंदर। ओके, तो ये वाली सेंटर लॉकिंग इसके अंदर भी आप लगा सकते हैं। सेंटर लॉकिंग तो ओके, इसके अंदर दो रिमोट आते हैं, एक सिंपल वाला जो हमें दो चाबियां मिलती हैं। ओके, जो हमने घर पे रखनी होती है चाबी, वो इसके लिए होती है, जो हमने यूज करनी है ज्यादातर उसके लिए ये वाली ठीक रहती है। ओके, तो वैसे किसी भी गाड़ी में सेंटर लॉकिंग लगवा सकते हैं ना, कौन सी भी गाड़ी बेस मॉडल ले आओ, और इसकी प्रॉपरली 3 साल की गारंटी है। इसकी भी 3 साल की गारंटी है, कंपनी वाले बंदे खुद फिटिंग करने आ गए, हमारा कोई रोल नहीं है, प्रॉपरली कंपनी वाले बंदे फिटिंग कर। ओके, तो ये वाली चीज भी यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी।
अगर आपको कोई भी आपके पास गाड़ी है, चाहे ब्रेजा ले लो, किया सेल्टोस ले लो, कोई भी लेटेस्ट गाड़ी है, सीट कवर के बारे में बता रहा हूँ आपको, कुछ भी इंटीरियर के साथ मैचिंग कराना है, कोई भी आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, ऑटो फॉर्म सब कुछ देती है, सब कुछ देती है। जैसे इसमें हमने टैन कलर डाला हुआ है, टैन एंड ब्लैक, आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, सब सारा अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी आप मतलब गाड़ी है, जैसे इवन की अभी नई स्कॉर्पियो सड़क पे आनी शुरू हुई है, आपके पास सीट कवर आ चुके हैं, स्कॉर्पियो के, एंडेवर के, कुछ भी आपको लेटेस्ट फॉर्च्यूनर के, हर एक के पड़े हैं। इसमें ये बेनिफिट, आपको कोई भी कॉम्बिनेशन चाहिए, रेड चाहिए, येलो चाहिए, कोई भी कॉम्बिनेशन चाहिए, मैं आप अवेलेबल से फोटो निकाली कलर कॉम्बिनेशन कोई भी आप करवा सकते हैं। बाकी भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भी जो स्नैपचैट आईडी है वो आपको सामने शो हो रहा होगा, इंस्टाग्राम आईडी शो हो रहा होगा, प्लीज जाके फॉलो जरूर करो। कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी, एनी डाउट, हम हर तरफ से हेल्प करेंगे। मेरा नंबर आपको यहाँ पे नीचे दिया होगा, जब मर्जी आप मुझे कॉल कर सकते। नेक्स्ट भी हमने ना एक जो व्हील कवर यहाँ पे डाले हैं उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताओ जरा। कंपनी की तरफ से हमारे प्रॉपर इसके नीचे अलॉय लगे आते हैं, ठीक है जी, हमने प्रॉपर व्हील कवर पर हमने खुद फिट किए हैं। ओके, तो व्हील कवर्स भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, तो भी जैसे एक टाइप का मतलब लुक इसको वधिया कर देते हैं, अच्छी लगती है, हम कह सकते हैं मतलब अच्छी लगती है। ओके, तो भैया इसमें हमने जैसे म्यूजिक स्पीकर्स लगा लिए हैं, लेदर सीट कवर्स आ गया, पीछे जो बेड लाइनिंग आपने बोली वो आ जाती है, व्हील कवर लग गए, फिर टोटल कितना को टाइम इसको लग गया होगा? हमने तीन दोपहर के 3 बजे शुरू किया था, अप्रॉक्स 5:30 हो गए हैं, 2-2.5 घंटे में हमने सब कर दिया, बिकॉज इसमें कोई वायर वगैरह कटनी होती है। ओके, तो आपको स्क्रीन भी दिखाई है, बहुत क्लीन फिट हुई है, मतलब कोई भी इशू आपको? प्रॉपर पैनल आता है, क्लम टू क्लम फिटिंग है, हार्डली स्क्रीन फिट करने में हमें 10 मिनट लगते हैं। और इसमें भी हमने स्पेशली आपको एक मेंशन कर दूं, वो बताना भूल गया, इसमें हमने फ्रंट कैमरा भी इनबिल्ट करा हुआ। ओके, फ्रंट कैमरा इनबिल्ट किया हुआ है, जो जैसे भी हमने किया सेल्टोस में भी दिखाया था, वही चीज है, वो आपको कोई एक्स्ट्रा स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, वो जो से हमने एंड्रॉइड स्क्रीन लगाई है उसके बीच में, उसके बीच में उसको कनेक्ट हो जाएगा। और ये क्लीनिंग देख लो, मतलब कितनी सही तरह फिटिंग इसकी हुई हुई है। तो जी, टाइम है वीडियो को एंड करने का, और अभी हमने आपको एक एक सारी चीज़ें बता दी कि जो जो हमने इस गाड़ी के अंदर लगाया है, इंस्टॉल किया है, टाइमिंग वगैरह जो होगी, बाकी जो प्राइजेज वगैरह, अगर किसी को और भी कोई डाउट है, देखो ये बेस मॉडल है, हमने बेस मॉडल को मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की है, कोई भी चीज़ का प्राइस या डिटेल आपको चाहिए आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, नीचे आपको लिंक्स मिल रहे होंगे सारे। उसके अलावा इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का लिंक जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट जरूर मिले। तो वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना।